डॉक्टर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार आर्य जी, और सबको शुभकामनाएं कि वास्तु जीवन में अपना सकें। सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर साहब, और कहते हैं कि वास्तु को जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। बहुत सारे दर्शकों ने हमें निवेदन किया है और हमें फीडबैक आया है, वो चाहते हैं कि रसोई घर के बारे में आपका अनुभव और आपका मार्गदर्शन के बारे में चाहते हैं ताकि हेल्दी बन सके। जी, तो किचन के बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मार्गदर्शन आप दें, किचन का क्या महत्व है वास्तु? श्योर, देखिए किचन पूरे घर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी खाना बनता है, खाने से जो हमारा स्वभाव बनता है, हमारी हेल्थ बनती है, हमारी सोच बनती है, उसी से हमारा जीवन एकदम सुघड़ बनता है और बहुत ही प्रॉस्पेरस बनता है। तो किचन घर में सही जगह पर होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे किचन से जुड़ा हुआ हर एक एस्पेक्ट आपको आज हम इस लाइव वास्तु के शो में आपको बता सके। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कौन कौन से गलत स्थान है, किचन कहां कहां पर गलत बनी हुई है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप सब लोगों को आ सकती हैं। सबसे पहले जो डिजास्ट्रस किचन होती है, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के कोने में किचन बन जाती है दोस्तों, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आकस्मिक लॉसेज आ जाते हैं। आपकी फैक्ट्री चल रही है तो कहीं ना कहीं ऑर्डर्स एकदम रुक जाएंगे और टोटल ऑर्डर्स रिजेक्ट भी होने के डर होते हैं अगर आपके घर की किचन नॉर्थ ईस्ट में आती है। तो कोशिश करें कि किचन को कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना रखें। अब आप चाहेंगे कि हम आपको इसका उपाय भी बताएं, क्योंकि हम स्पेशलाइज करते हैं कोई भी किचन हो, कोई भी वास्तु डिफेक्ट हो, उसे बिना तोड़फोड़ के ठीक करने में। तो लाइव वास्तु यही है दोस्तों कि बिना तोड़फोड़ के हम इसको ठीक कर सकें। नॉर्थ ईस्ट की किचन में आपने येलो कलर करवाना है, येलो थीम करवानी है या लेमन थीम करवानी है। कोशिश करें कि आपका गैस स्टोव ईस्ट की दिशा में होना चाहिए और पानी नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में किचन है उसकी प्रॉब्लम्स क्या कैसे निकलती हैं, क्यों आती हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है और किचन में अग्नि का वास होता है, तो वहीं पे मैग्नेटिक एनर्जीज जल जाती हैं। और रिलीजियसली हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में पानी का सोर्स माना जाता है, जल का तत्व माना जाता है और किचन में अग्नि तत्व माना जाता है, तो दोनों आपस में क्लैश करते हैं और आपके घर में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आपने एक उपाय और भी करना है कि नॉर्थ ईस्ट की किचन के साथ आपने रेडिया पत्थर रखना है और स्पेक्ट्रा लाइट पत्थर रखना है। यह दोनों पत्थर आपकी किचन से नेगेटिव रेडिएशंस को हटाएंगे और वहां के जो असर हैं उसको कम करेंगे।